हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आपको मैं इनका हेयर दिखा दे रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा रफ़ और बहुत ही ज़्यादा डैमेज हेयर है। तो ऐसे बालों पे आप किस तरीके से कटिंग करें वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा फंसने वाला भी है, तो जब भी कटिंग करें ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इसे पहले गीला करें। इनका कलर भी आप देख सकते हो, अनइवन है। कुछ आधी दूर तक हेयर इनके जो है ब्लैक है, नीचे नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राउन ब्राउन से हेयर है, भूरा भूरा कलर दिख रहा है। जैसे कि लोग हाईलाइट करते हैं तो उसका तो खैर सुंदर दिखता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रफ़ है। तो ऐसे बालों पे आप कैसे कटिंग करें, ठीक है, स्टेप्स करोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश करें कि ऐसे बालों पे आप या तो स्ट्रेट कटिंग करें या फिर आप यू कट करें। वो भी यू कट अगर आप करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा डीप में करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के हेयर जितना ज़्यादा स्ट्रेट रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इनके बालों को अच्छे से कोम करके सुलझा ली हूँ। ये देखिए, इतना कोम करने के बाद भी बहुत ज़्यादा फंस रहा था, इसलिए बैक में भी अच्छे से की, उसके बाद फ्रंट पे भी की हूँ। तो देखिए, हाफ़ एंड हाफ डिवाइड कर लेना है और उसके बाद में सामने की तरफ इस तरीके से लेके आएंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। और इस तरीके से टू फिंगर्स के बीच में आपको ग्रिप कर लेना है और ये देखिए, यूँ आपको तिरछा कट कर देना। बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही मैं कट कर रही हूँ, इनको शॉर्ट नहीं करवाना था। अदरवाइज़ अगर मेरे हिसाब से होता तो मैं और भी ज़्यादा छोटा करती, ताकि जितना भी नीचे से इनके डैमेज हेयर थे वो पूरी तरीके से एक ही बार में निकल जाते। बट इनको पूरे शॉर्ट नहीं करवाने थे, क्योंकि इनका बर्थडे भी था जिस दिन मैं हेयर कट करी थी, इनका बर्थडे भी था। तो इन्होंने बोला कि मुझे अच्छी लॉन्ग ड्रेस वेयर करनी है, तो ज़्यादा शॉर्ट मत करिए। तो बस इस तरीके से देखिए, इधर भी कर लेना है। और फेस के लुक को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए थोड़े से बालों को निकाल रही हूँ इस तरीके से, और थोड़ा लंबा ही कट करूँगी। स्ट्रेट हेयर होते हैं ना आप लोग, जो फ्रंट वाली लेयर कट होती है ना, आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके करेंगे। लेकिन जहाँ पे इस टाइप के हेयर थोड़े पफ़ी और फुले फुले से हेयर होते हैं ना, तो आप उसको थोड़ा सा लंबा रख के ही कट करें, ताकि वो ड्राई होने के बाद में ना बिल्कुल परफेक्ट लुक में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले ही शॉर्ट कर दोगे और ड्राई होने के बाद वो और भी ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा, तो फिर वो लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इस तरीके से देखिए, दो से तीन बार ट्विस्ट करना है और बराबर कट कर दी। तो मैं चिन एरिया से थोड़ा सा नीचे ला के कट की हूँ, और ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल चिन के पास से पहुँच जाएगा। और हल्का हल्का सा इस तरीके से देखिए ट्रिम कर देना है, ये देखिए। और ये जो हेयर हैं, कभी भी जैसे बच्चों की आदत होती ना कि गीले हेयर पे ही पोनी बना लेते हैं या चोटी बना लेते हैं, तो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करें। गीले हेयर पे ही ये हमेशा चोटी बनाती थी, जिसकी वजह से इनके हेयर बहुत ज़्यादा अजीब हो गए हैं और खुलते नहीं हैं। मतलब इतना अच्छे से कोमिंग करने के बाद इनका हेयर थोड़ा अच्छे से खुला, अदरवाइज़ ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे। ये देखिए, उसके बाद देखिए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और मैं आपको शेप दिखाती हूँ। सिर्फ फ्रंट से ही कट हुआ है और कटिंग होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से शेप आ चुका है। तो जब भी हम फ्रंट पे ले जाके इस टाइप से कटिंग करते हैं ना, तो बहुत ही प्यारा सा पीछे से देखिए बहुत अच्छी सी कटिंग हो गई, पूरा यू कट दिख रहा है। तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही इतने पे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको और अच्छा फिनिशिंग देना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा इसे और ट्रिम कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, जो सेंटर है एरिया है वहाँ से थोड़े से बालों को उठाएंगे बीचों बीच से, और इस तरीके से टू फिंगर्स के बीच में ग्रिप कर लेना है, पकड़ना है और बराबर कट करना होगा। ये देखिए, मतलब जितना ये आपको कैमरे में नहीं लगा होगा उससे कई गुना ज़्यादा ये रियल में अगर आप देखते ना, तो पता चलता कि बहुत ही ज़्यादा हेयर रफ़ थे और ऐसा खुल नहीं रहते। जैसे कि हेयर बहुत फ्री लगता है वॉश करने के बाद में, शैम्पू आप कर लेते हैं और ड्राई होते हैं तो पूरे एकदम अच्छे से खुले खुले से दिखते हैं, तो इनका हेयर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और चोटी कभी भी, वही बोल रही हूँ ना कि बहुत एकदम गीले हेयर पर ही चोटी नहीं बनानी चाहिए कभी भी, थोड़ा सा ड्राई हो जाने दीजिए, पूरे ड्राई हो जाए उसके बाद ही चोटी बनाएँ। तो ये देखिए, इस तरीके से बीच वाला सेंटर का जो हेयर था उसे मैं स्ट्रेट कर दी हूँ और साइड के हेयर को थोड़ा थोड़ा सा तिरछा कट कर दी हूँ। शेप तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, बस हल्का सा हमें फिनिशिंग देनी है। ये देखिए, और कभी भी इस टाइप के हेयर आते हैं ना, तो स्टेप्स कट आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, और उन्हें सजेस्ट कीजिएगा कि आप स्टेप्स अगर
कभी कभी होता ना कि क्लाइंट बोलते हैं कि आप स्टेप्स कट करके दीजिए, नहीं, उनको सजेस्ट करें कि आप या तो डीप यू करवा लें, यू कट करा लें, या फिर स्ट्रेट करवाएं। जब पूरी तरीके से उनके डैमेज हेयर कटिंग हो जाए धीरे धीरे, उसके बाद जो है आप ऐसे हेयर पे स्टेप्स कट दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही नहीं। अभी जैसे कि अभी इनका फर्स्ट बार हेयर कट है, सेकंड बार ये आएंगे, तो धीरे धीरे इनका जितना भी डैमेज हेयर वो कटते चला जाएगा। तो चलिए साथ ही साथ मैं आपको सेटिंग भी दिखा दे रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी सेटिंग करूँगी मैं इस टाइप से। तो यू कट की सेटिंग मैं ऑलरेडी आप सबके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। थोड़े थोड़े से हेयर को इस तरीके से पकड़ेंगे और हल्का हल्का सा ड्रायर चलाते हुए चले जाएंगे, बहुत ही इजीली सेट हो जाएगा। दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कटिंग तो देख ले, लेकिन सेटिंग आप ये किस तरीके से की हो। खासकर जो लोग न्यू हमारी फैमिली में शामिल होते जा रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो बस इस तरीके से कर लेना है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके साथ में मुझे शेयर करनी चाहिए क्योंकि हर टाइप की हेयर क्वालिटी पे आपको कटिंग करने आना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, जिसके हेयर बहुत हेल्दी होते हैं, सुंदर होते हैं, तो उस पर आप कोई भी कटिंग करते हो तो वो तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन कभी कभी इस तरीके से भी हेयर आ जाते हैं, तो ऐसे बालों पर भी आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसी कटिंग करके दें। और मैं ड्रायर बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ही चलाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूंगी कुछ भी। और सेटिंग मैं वैसे भी नहीं करने वाली थी, बट इनका बर्थडे था तो बोली कि नहीं सेट कर दीजिए, तो फिर मैं इनका हेयर थोड़ा सा सेट करी, बट थोड़ा थोड़ा सा ही ड्रायर चलाऊंगी। मैं इनको और भी शॉर्ट करने बोली थी, बट आपको मैं पहले भी रीज़न बता चुकी हूँ कि इनको जो है लॉन्ग ड्रेस वेयर करनी थी, तो बोली नहीं पार्टी है तो थोड़े से लॉन्ग हेयर अच्छे लगेंगे। तो जितना ज़्यादा मतलब मैं मुझसे हो सका मैं थोड़ा थोड़ा ही कट की हूँ, और कुछ इस तरीके से इनका कटिंग का जो है फाइनल लुक आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इतनी सी कटिंग से इनका हेयर काफ़ी अच्छा लगने लगा है, तो आप देख सकते हैं कितना फूला फूला सा दिख रहा है ड्राई हो जाने के बाद में। तो ऐसे में अगर आप स्टेप्स करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश करें यू कट या फिर ऐसे बालों पर आप जो है स्ट्रेट कट ही रखें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही क्यूट सी लग रही है। और इनकी मम्मी ने भी मुझे बताया कि ये हमेशा गीले बालों पे जो है पोनी बना के रखती हैं, या फिर गीले बालों पे ये ऑयलिंग भी कर लेती, तो गीले बालों पे ऑयलिंग करके कभी भी पोनी बना के ना रखें, हेयर अच्छे से ड्राई हो जाता है उसके बाद ही पोनी बनाएं, और ऑयलिंग भी आप ड्राई होने के बाद ही करें। तो फ्रंट और बैक दोनों ही मैं आपको दिखा दी। सो गाइस, कैसा लगा इसका वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।